हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर। जितने स्टूडेंट अप्लाई किए थे सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका था। जिस भी स्टूडेंट का सेंटो पीएफएस होकर टोकन नंबर जारी हो चुका है उस सभी स्टूडेंट का आज का डेट में ही बहुत सारे स्टूडेंट को पेमेंट मिल गया। तो इस वीडियो में बात करेंगे किस किस स्कीम का पेमेंट आया है और किस स्कीम का पेमेंट नहीं आया है, तो पेमेंट कब तक आएगा, अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है तो आपका पेमेंट कब तक मिलेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें नेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट फ्रेशर या रिनेबल था, जो भी स्टूडेंट एनएमएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था एनएमएस स्कीम के तहत, उसका पेमेंट यानी 12,000 जो मिलता है साल में उसका पेमेंट रिलीज कर दिया गया। जिसका सेंटू पीएफएस होकर टोकन नंबर जारी हो चुका था जिस भी स्टूडेंट का, उसका पेमेंट आज के डेट में ही रिलीज हो गया। और बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट सी एस एस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था उस सभी स्टूडेंट का भी पेमेंट आज के डेट में ही रिलीज किया गया है, यानी बहुत सारा स्टूडेंट का पेमेंट मिल चुका है जिसका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका था। इंस्टीट्यूट से वेरीफाई, डिस्ट्रिक्ट एनरोल ऑफिसर से वेरीफाई, इसके बाद मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन, उसके बाद मिनिस्ट्री द्वारा जाँचने के बाद सेंटू पी एफ एस होने के बाद उसका अकाउंट नंबर जारी होने के बाद उसके अकाउंट में उसका पेमेंट क्रेडिट कर दिया था, यानी जितने स्टूडेंट मतलब जिसका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो चुका था। और बात हैं जिसका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है लेकिन अभी तक एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो देखो उसको वेट करना पड़ेगा। जब तक आगे फॉरवर्ड आपका एप्लीकेशन नहीं होता तब तक आपका पेमेंट आपका अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक आगे फॉरवर्ड होगा तभी आपका मतलब आगे का मतलब प्रक्रिया आपका चालू किया जाएगा, तो आपका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आगे प्रक्रिया चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है जिसका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि देखो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि देखो बहुत सारे इस बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट फेक स्टूडेंट होता है कि जो नेशनल स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर देता है लेकिन वह मतलब वेरीफाई पैसा देके इंस्टीट्यूट से या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से करवा लेता है, आगे का प्रोसेस में भेज देता है। इसलिए मिनिस्ट्री द्वारा अच्छी तरह से जाँचने के बाद ही आपका एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और बात करते हैं बहुत सारी स्कीम का अभी तक, यूजीसी स्कीम रहा, माइनॉरिटी स्कीम रहा, इस सभी स्कीम का अभी तक मतलब मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो इसका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो सके मई से स्टार्ट हो जाए, यानी आपका 15 मई से हो सके स्टार्ट हो, क्योंकि देखो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन मतलब अभी उसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो अभी छोटा छोटा स्कीम के जो भी स्टूडेंट है जिसका कम पैसा है, जिसके जैसे कि 15,000, 20,000, 12,000 इस सभी स्कीम का मेरिट लिस्ट में ही सिलेक्शन हो रहा है। जिसका देखो 75,000, 85,000, 1,00,000 ऊपर है जिसका, उसका अभी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे कर वह सब स्कीम का भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने लगेगा, क्योंकि देखो पहले छोटा अमाउंट वाला का पेमेंट दे देता है, उसके बाद जो बड़ा अमाउंट रहता है उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है, उसका भी धीरे धीरे कर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो उसका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, उसका भी एक ही प्रोसेस होता है कि वह भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा, मिनिस्ट्री द्वारा जाँचेगा, सेंड टू पीएफएस होगा, उसके बाद टोकन नंबर जारी, उसके बाद उसका पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट का सेंड टू पीएफएस हो चुका है, टोकन नंबर भी जारी हो चुका है बट अभी तक पेमेंट नहीं मिला, तो उसको देखो नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल में अपना स्टेटस चेक नहीं करना, उसको चेक करना है पीएफएस के वेबसाइट में, पीएफएस के वेबसाइट में किस तरह से पेमेंट ट्रैक करता है। इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आई बटन में लिंक दे देंगे या तो मेरे चैनल में जाके आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि उसमें चेक कीजिएगा तो उसमें बता देगा कि आपका पेमेंट किस रीजन के कारण, आपका किस वजह से मतलब आपका पेमेंट रोका गया है, इस तरह का प्रोसेस होता है। चलिए आज के वीडियो में यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें नेशनल स्कूल के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। और बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन होइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।